Hey everyone, you're most welcome to Exam World. So guys, जैसा कि JNU का रिजल्ट आ चुका है, so first of all, congrats to all जिनका सिलेक्शन हुआ है और जिनका नहीं हुआ है वो परेशान ना हो, उन्होंने भी बहुत सारे ऑप्शंस रखे होंगे, वहां पे अपना स्टडी कंटिन्यू करें या फिर जिनको JNU ही आना है वो फिर से मेहनत करें, कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सेकेंड टाइम में JNU क्रैक हुआ है, एक लंबे टाइम के बाद इसका रिजल्ट भी आया, बहुत लंबा समय हो गया था वेट करते कब आएगा, एंड फाइनली अब जाके रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं। अभी भी यूजी का रिजल्ट बाकी है, केवल पीजी का आया है। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एडमिशन प्रोसेस से रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंटेशन है या आगे आने वाले टाइम में जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी उनसे रिलेटेड मैं यहाँ पर पूरा डिस्कशन करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आपके सामने ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट ही जाना जाने बल्कि इसके अदर इश्यूज भी रहते हैं, उनको भी आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। और एक बार आप अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां जाइए, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स लीजिए एंड कॉल अस, वी विल हेल्प यू और ऑल टीम हेल्प यू। एग्जाम वर्ड की पूरी टीम आपके एडमिशन प्रोसेस में पूरी हेल्प करेगी क्योंकि पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो रहा है। आपका जो एडमिशन अभी प्रोविजनल एडमिशन है, ये आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए आपको आना पड़ेगा JNU, जब भी JNU आपको बुलाएगा, जब ऑफलाइन होगा कैंपस तब। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात कर लूं, सबसे पहला स्टेप, अगर आपका सिलेक्शन हो गया, आपने अपना रिजल्ट चेक कर लिया है, तो रिजल्ट देखने के बाद आपको वहां पे फी पेमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो फी पेमेंट का जो ऑप्शन होता है वो होता है सीट ब्लॉक करने के लिए। अगर आपने अपना सीट अभी तक ब्लॉक नहीं किया है तो इसका जो लास्ट डेट है सीट ब्लॉक करने का वो 30 दिसंबर है। फी स्ट्रक्चर बहुत कम है, किसी का 260 है, किसी का 280 है, तो आप फी स्ट्रक्चर अपना देख लीजिए क्या है। बहुत कम फी है JNU का, ये एक सेमेस्टर का फी है, जो आप फील करोगे अभी जो पे करोगे वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का फी होगा जो कि मॉनसून सेमेस्टर होता है JNU में। तो आप अपना सीट ब्लॉक कर लीजिए क्योंकि सीट ब्लॉक कर अगर आप 30 दिसंबर तक सीट ब्लॉक नहीं करते हैं तो आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, मतलब सेकंड कट ऑफ आएगी तो उसमें आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। बहुत सिंपल सी बात ये है, लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ था कोविड की वजह से, तो वो गलती आप ना करें, इसका आप ध्यान रखें। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं आपसे, अब आ रहा है डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, जब आप फी पेमेंट कर देंगे और वहां पे आप देखिएगा कि व्यू रिसिप्ट लिखा हुआ है, तो वो जब तक रिसिप्ट वाला जो ऑप्शन आ जाए उसके बाद आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला कॉलम खुलता है। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आपका मास्टर्स में एडमिशन हुआ है, अब आप देख लीजिए सबसे पहले आपका जो डेट ऑफ बर्थ आपने डाला होगा, बर्थ सर्टिफिकेट को मांग रहा है, तो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 10th का जो मार्कशीट होता है वो कंसीडर किया जाता है। अब 10th का जो मार्कशीट है उसे बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर, साथ साथ वहां पर आप देखेंगे कि जब अपलोड करने जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट 10th का मार्कशीट फिर 10th का सर्टिफिकेट, अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम आपको हो सकता है। अब आप बोलेंगे सर हमारे पास 10th में सर्टिफिकेट तो हमें मिला नहीं था, हमें तो केवल मार्कशीट मिली थी, तो आप देखेंगे आज की जो मार्कशीट आती है ज्यादातर बोर्ड्स की उसमें सर्टिफिकेट साथ में ही होता है, मार्कशीट के साथ ही एक ही मार्कशीट में लिखा होता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। तो आप जो सर्टिफिकेट है उसे और जो मार्कशीट है दोनों एक ही है, तो दोनों को अपलोड कर सकते हैं, जो मार्कशीट है उसी को मार्कशीट की जगह और सर्टिफिकेट की जगह अपलोड कर दीजिए, तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही आप 12th की मार्कशीट आपसे मांगी गई होगी उसमें आपको करना है। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, आपका जो यूजी का रिजल्ट आ गया होगा, आपका यूजी की मार्कशीट भी आई गई होगी, जिनकी नहीं आई है वो खासकर जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है जहां पे डिग्री मांगा गया है, आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो यूजी का जो बैचलर का डिग्री मांगा गया होगा आपसे, तो उस बैचलर की डिग्री की जगह आप अपना जो प्रोविजनल है वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। प्रोविजनल आपके पास होगा, नहीं हो तो आप अपने इंस्टीट्यूट से, अपनी जो भी यूनिवर्सिटी जहां से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है वहां से जाके वो ले सकते हैं, अगर आपने इस साल पास किया और जो पिछले साल ग्रेजुएशन किया हो उनके पास सारी चीजें होंगी होंगी। उसके अलावा एक तो आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट से बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है स्टूडेंट्स को कि सर हमने एक साल पहले बैचलर किया था, क्या हमारा 6 महीने जो एक साल पुराना कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो काउंट होता है? नहीं होता है। एक्चुअली कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है वो 6 मंथ की होती है। आप एक नया जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो किसी भी गजेटेड ऑफिसर से बनवा लीजिए। गजेटेड ऑफिसर में आपका 12th तक के गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल भी आपको सर्टिफाई करके दे सकता है आपके लोकेलिटी में, तो आप वहां से बनवा लें। फॉर्मेट आपको ऑलरेडी दिया गया है JNU का, जो जब आप रिजल्ट निकालेंगे तो वहां पे उसका फॉर्मेट भी है, नहीं तो नॉर्मल फॉर्मेट भी आपको मिलता है। उसके अलावा सबसे अगला जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट SC ST से जो आते हैं,
अगर मैं बात करूं आपसे एससी एसटी की, तो एससी एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट वो रिन्यू नहीं होता है, वो कंटिन्यू बना रहता है। आपका एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट है उसे आप अपलोड कर दीजिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो ओबीसी में आप ध्यान रखिए आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2020 और 2021 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। यानी अगर मैं कहूं तो अगर आपका मार्च जो अप्रैल 2021 से पहले का भी अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, मैं कहूं 2019 में नहीं बना हो, अप्रैल 2020 से लेके अप्रैल खासकर जो 2021 से पहले का बना हुआ जो सर्टिफिकेट है वो भी कंसीडर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको अभी तुरंत नया बनवाना पड़ेगा, नहीं बनवाना है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपने इस साल 12th किया है, सॉरी इस साल बैचलर किया है आपने, तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपका माइग्रेशन अभी नहीं आया होगा, तो उसके लिए जो एक्सटेंशन है वो दिया गया है 31 जनवरी 2022 तक आप अपना माइग्रेशन सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं एंटी रैगिंग एफिडेविट की, तो आपको फॉर्मेट दिया गया है एंटी रैगिंग एफिडेविट का, एंटी रैगिंग एफिडेविट जो है वो आप बनवा लीजिए। आप अपने आसपास जो भी कोर्ट कचहरी जहां पे वकील बैठते हैं वहां चले जाइए, उस फॉर्मेट को लेके, और वो स्टाम्प पे आपको बनवाना होता है, तो वहां लिखा हुआ है कि 10 रुपए का स्टाम्प, कई जगह 10 रुपए का स्टाम्प आजकल नहीं आता है, तो आप जो वहां मिनिमम से मिनिमम हो 50 का हो या 100 का जो मिनिमम चार्जेस वाला हो उस पर बनवा लीजिए, तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक एफिडेविट आपके पेरेंट्स को साइन करके देना होता है और एक एफिडेविट आपको खुद से साइन करके देना होता है, तो इस चीज का ध्यान रखें कि जो एफिडेविट वाला है इसको आप अच्छे से कर लें, है ना। उसके अलावा एक्सटेंशन, अब मान लो आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास EWS नहीं है, आपके पास PWD वाला नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है जो नहीं है, तो आप एक काम करिए, आपको एक्सटेंशन का फॉर्म दिया गया है और एक्सटेंशन फॉर्म में आप मैक्सिमम टाइम जो ले सकते हैं वो 30 दिसंबर तक का ले सकते हैं। मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया था कि UGC ने कहा था यूनिवर्सिटीज को 30 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, अगर स्टूडेंट्स के पास नहीं है तो उन्हें प्रेशर नहीं दे सकती है। इसीलिए अगर हम JNU की बात करें तो JNU के अंदर जो लास्ट डेट है आपके जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट सबमिट करने का वो है 30 दिसंबर, तो आप 30 दिसंबर से पहले पहले अपने डॉक्यूमेंट बनवा ही लेंगे, काफी लंबा टाइम आपके पास, 1 month है टोटल। डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी है उसको आप सुधरवा सकते हैं, त्रुटि नहीं होनी चाहिए। बाकी आपका एडमिशन प्रोविजनल है तो कैंसिल नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट। आपको जो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया जाएगा, हो सकता है 2 से 3 महीने बाद जब कैंपस ऑफलाइन हो जाएगा, खुल जाएगा कैंपस, तब आप यहाँ आइएगा और आपके डॉक्यूमेंट्स आपके सेंटर्स में जो भी रेस्पेक्टिव सेंटर्स हैं वहां पे वेरीफाई होंगे। अभी क्लासेस भी ऑफलाइन नहीं है तो ऑनलाइन ही चलेंगी मोस्टली। सो गाइस, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है एडमिशन प्रोसेस में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लंबे कहते हैं कि ड्रीम यूनिवर्सिटी कहलाता है JNU मास्टर्स के लिए, और जो DU के स्टूडेंट्स हों, BHU के हों, सबके लिए ड्रीम यूनिवर्सिटी होता है, तो अब मास्टर्स में जब एडमिशन आपका हो गया है तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपको अगर आ रही है डॉक्यूमेंटेशन, बस मिस्टेक मत करिएगा। मेरा कहने का मीन्स यही है कि मिस्टेक मत करिएगा, इतने लंबे अंतराल के बाद एडमिशन हुआ है और वहां पे भी अगर आप मिस्टेक कर देंगे, आप सीट ब्लॉक नहीं करेंगे, तो फिर आप रेस्पॉन्सिबल है। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, मैंने बताया हमारे कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वी विल हेल्प यू, डोंट वरी अबाउट इट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो डॉक्यूमेंट्स का मैंने आपके सामने जो लिस्ट रखा है, यहाँ आप लिस्ट को आप अच्छे से देख लीजिएगा, हॉस्टल के डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी वहाँ दी गई है, आप देखेंगे नीचे जाके, तो आप आधार कार्ड, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करिए। एक बिल मांगा गया है, तो बिल मोस्टली दिल्ली के जो लोकल है उनके लिए होता है, तो आप उस पर जब आगे बढ़ेंगे तो उस पर यस कर दीजिएगा, जहाँ पे जब आप हॉस्टल वाला आपको ऊपर ऑप्शन दिया गया कि आप हॉस्टल चाहते हैं कि नहीं, तो आप उस पर यस कर दीजिएगा। बाकी कोई भी हेल्प के लिए कॉल अस, नंबर आपको दिए गए हैं, व्हाट्सएप करिए, वी विल हेल्प यू, डोंट वरी अबाउट इट। एंड अगेन कॉन्ग्रेस टू ऑल टू सिलेक्टेड इन JNU, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हो एग्जाम वर्ल्ड के, तो प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, थैंक यू वेरी मच।